हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं हूँ इकरा। तो आज का वीडियो क्या है? क्या है इकरा? आज का वीडियो होगा टू बी ऑनेस्ट, मतलब कि एक ऑनेस्ट वाला रिव्यू करेंगे हम एक प्रोडक्ट के ऊपर कि आप लोग को वो प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पता है क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जिनके बारे में ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार इट्स एक्सपेंसिव, ये लूँ या ना लूँ। वैसे ही होता है, जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चीप होते हैं ना, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मेक श्योर हम सब सोचते हैं कि यार ये इतना चीप है, इतना सस्ता है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये लेना चाहिए, ये ख़राब भी तो हो सकता है। ऐसे सब लोग सोचते हैं, मैं भी बहुत सोचती हूँ। मैं पता है, मैं एक्सपेंसिव चीज़ों पे तो एक बार को एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, बट चीप चीज़ों के साथ बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती। बट मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे अपने आप को मोटिवेट किया कि चल इकरा, तू कर, और फाइनली मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया। तो भाई मैं बहुत डरी हुई हूँ अभी कि मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँ या ना करूँ, क्या होगा। मुझे ना इस प्रोडक्ट से ज़ीरो, ये होता है ना ज़ीरो ज़ीरो वाली एक्सपेक्टेशन है कि मुझे लगता है कि ये वर्क नहीं करेगा। बट चलो यार, रिवील करते हैं। ये है हेयर स्ट्रेटनर, जो कि लड़की और लड़के दोनों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। वैसे मैं अपने बालों को स्ट्रेट नहीं करती, कभी टाइम था एक दो बार किए थे, बट मुझे आई डोंट लाइक स्ट्रेटनर, और मुझे ऐसे अपने वेवी कूड़ा बाल ठीक लगते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता भाई स्ट्रेटनर करे। बट अगर ये काम कर गया तो चलो लेट्स ट्राई, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं इसको ना थोड़ा आराम से ओपन करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इसको 100% रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं इसको आराम से ही ओपन करेंगे। ओह, इन्हीं कैसे ओपन होगा? काश मेरे पास कोई पार्टनर होता जो मेरी हेल्प करता। एनीवेज, मैं बहुत गंदी हूँ गिफ्ट ओपन करने में और ये अनबॉक्सिंग करने में। ठीक है, सो आफ्टर 1000 ईयर्स लेटर फाइनली मुझसे ओपन हो गया। वाह, काफी न्यू सा है ना, जस्ट लुक एट इट। चलो, मिनी क्यूटू चुटकू सा स्ट्रेटनर। चुटकू तू काम भी करता है? हाँ मैं काम करता हूँ। ओके चल, तुझे देखते हैं ना। काफ़ी मेटल है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा है, ये वाला बटन है, और मुझे लगता है कि ये नहीं और स्टार्ट होगा, ये ऑन नहीं होगा और लाइट नहीं चलेगी। जीरो एक्सपेक्टेशन। एनीवेज, मैं आपको इसका प्राइस रिवील कर देती हूँ। ये मुझे मिला है 112, 112, यार ये 112 रुपये का है। 112 रुपीज़ ओनली फॉर दिस। ओके चलो इट्स ट्राई। मैंने प्लग लगा दिया है और लाइट जल गई। मैं आप लोग को कैसे दिखाऊं, ये लाइट जल गई है बस। ओ वाह, और इसने बहुत जल्दी हीट करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत जल्दी यार ये हीट कर रहा है। ओ माय गॉड, सीरियसली मुझे ना इससे जीरो एक्सपेक्टेशन थी और ये हीट हो रहा है। चलो अब इसको हीट होने देते हैं और लेट्स ट्राई। कहाँ ट्राई करें, कहाँ ट्राई करें? हाँ यहाँ, ये मेरे कुछ छोटे छोटे बाल हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आगे आए और मुझे परेशान करे, उन्हें डिस्टर्ब करे, तो मैं ना इनको ऐसे पिन अप करके रखती हूँ। ये मेरे कुछ छोटे छोटे बाल हैं एंड आई डोंट लाइक इट। अगर इसने इन बालों को स्ट्रेट कर दिया ना तो भाई साहब, चलो स्ट्रेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं अपने बालों के साथ ना एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करती हूँ, बट चलो ठीक है। ओह गॉड गॉड गॉड, ये हो रहा है फ्रेंड्स, ये हो रहा है। ओके, कैन यू सी डिफरेंस, कैन यू सी? ओ माय गॉड, ओनली 112 रुपीज, ओनली 112, कैन यू बिलीव? चलो ठीक है, करते हैं ना। अभी मैंने ना बहुत ही मुश्किल से ये कुछ पोर्शंस निकाले हैं, तो इसको स्ट्रेट करके ना बेबी बेबी हेयर कट वो करते हैं, मैं बचपन में बहुत करती थी।
आई होप ये हो जाए। मैंने स्ट्रेटनर को ऑन कर दिया है, ये बड़ा बाल कहाँ से आ गया है, बहुत मुश्किल है ये सब। ओके तो ये कुछ बाल लिए हैं मैंने एंड इनको इस तरह से स्ट्रेट करेंगे एंड मैं ना ऐसे स्ट्रेट करूँगी। वाओ थोड़े से बड़े हैं, मुझे लगता है थोड़े और छोटे होने चाहिए थे। ठीक है वाह ठीक लग रहा है ना। ठीक है ऐसे मुझे हल्के हल्के से बाल फॉरहेड बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ये कितने प्यारे से बेबी हेयर बन गए मेरे, वाह आई एम सो मतलब आई एम सो हैप्पी। तो चलो अब ये वाले हेयर करके देखते हैं। स्ट्रेटनर को ऑन कर दिया मैंने और मुझे ना यहाँ पर लिटरली पिंस लगानी पड़ती थी और अब से मैं पिंस नहीं लगाऊंगी। मुझे बहुत ही मतलब बहुत खुशी हो रही है, बहुत 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 कि मेरा एक न्यू सा स्टाइल बनेगा। ओके तो बिस्मिल्लाह। वो ना ना करती है हाँ बड़ा करती है हाँ थोड़ी सी जिद्दी है अक्ल से पिटती है। ओके वाओ हल्का हल्का सा मतलब स्ट्रेट हो रहे हैं या फिर मुझे पूरी तरीके से अच्छे से करना नहीं आता है पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना स्ट्रेट कैसे करते हैं हेयर को। बट बाकी ये हो रहे हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको स्ट्रेट करके अपने हेयर को। अब मेरा जब मन करेगा मैं स्ट्रेट करूँगी, यहाँ पर भी करके देखते हैं। मैंने ऐसे सुना है कि जब आप ऐसे हेयर स्ट्रेट कर रहे होते हो ना तो आप कम पोर्शन लेना चाहिए और हमारा स्ट्रेटनर तो वैसे भी छोटू है तो उसके लिए कम ही ठीक है। ओके चलो चलो बिस्मिल्ला। आई एम स्क्रैड, मैं अंदर से काफ़ी डरी हुई हूँ। ठीक है तो ओके वेरी नाइस, बहुत सही है मतलब बहुत नॉट लुक लाइक प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल बट काम चलाओ तो ठीक ही है ना, डिफरेंस देख लो। तो चलो फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का, तो यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस स्ट्रेटनर। पहला तो ये बहुत ही क्यूट है, दूसरी चीज़ अफोर्डेबल है, हैंडी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। और गाइस अगर आप लोग का टेक्सचर बहुत ज़्यादा करली है, बहुत करली हेयर्स हैं और आप बहुत ही बहुत पूरे मतलब पूरे ओवरऑल हेयर के लिए एक स्ट्रेटनर चाहते हो तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके तो गो फॉर इट एक्सपेंसिव और यू नो अच्छे कंपनीज के जो स्ट्रेटनर आते हैं। और अगर आप ऐसे ही मेरी तरह ही छुटके छुटके बाल को स्ट्रेटनर करना चाहते हैं या फिर आपके लिए इतना भी यू नो इनफ है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत वर्थ इट है और आई थिंक इसकी वारंटी भी है। हाँ मैंने पढ़ा था तो इसका वारंटी भी है तो और क्या चाहिए। और
अच्छा लगा मुझे इसको परचेस करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे प्यार देना, और इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके तो चलो बाय।